हे गाइस, आप कैसे हो? आप सभी एक और नए वीडियो में माइनक्राफ्ट की, और यहाँ पिछली वाली वीडियो में हमने एपिसोड को यही एंड कर दिया था अपना घर बना के। आज की वीडियो में हम जो है थोड़ी माइनिंग करने वाले हैं सिंबल। तो सबसे पहले तो मुझे इसे ऑर्गेनाइज करना है, इस चेस्ट को बिल्कुल यहाँ लगाना एकदम लाइक जैसे मैंने फेसबुक पर अपना एक पोस्ट डाला था वैसे ही। अरे यहाँ पे मैंने स्लैब्स नहीं लगाए, स्लैब्स है मेरे पास, बर्च नहीं, ओके यस काफ़ी सारे हैं। तो पिछली वीडियो में यार हमने टेम भी किया था ये दो एनिमल्स को, मतलब टेम नहीं, उनको पालने के लिए रखा हुआ है। तो अब हम एक रैबिट का दूसरा घर बनाएंगे आज, और मुझे थोड़े बहुत और चाहिए गोल्ड, बिकॉज इससे काम नहीं बनने वाला। एक चेस्ट भी है मेरे पास एक्स्ट्रा। तो यार अब मुझे ना इन सामानों को यहाँ से हटा के ऑर्गेनाइज करना है। सबसे पहले तो मैं बेड ऊपर रख जाता हूँ। ओके लेट्स गो। आई होप कि यार लैग ना कर रहा हो आप लोगों के लिए गेम। कोने में रिस्पॉन पॉइंट सेट हो गया, बहुत बढ़िया। अभी मुझे दो पैश प्लेट बनाने हैं ऑब्वियसली, तो अपन मैं ऐसे रखूँगा एक, फिलहाल मैं एक से काम चलाऊँगा। तो यार सबसे पहले मैं कुछ वुड काट ले लाता हूँ। ओके तो ओके गाइस, यार फाइनली मैंने वहाँ पे एक ये बना लिया है रैबिट्स के लिए अपने, और तो काफ़ी छोटा है इन कंपैरिजन टू शीप्स, बट कोई बात नहीं है, देना है ना अभी। और अभी जब मैं इसे बना रहा था तो यहाँ पे मुझे ये मिला है जो कि काफ़ी अच्छा है, और दिस इज़ अ सी टर्टल, या टर्टल भी कह सकते हैं। और अरे स्पाइडर जी नमस्ते। अरे लगा मर जा भाई, मर जा। और राइट, तो यार इसका एक पार्ट टाइम भी था जब मैंने मतलब शुरू में रिकॉर्डिंग की, बट वो पता नहीं कहाँ चला गया है। तो मुझे इसे ही अभी फ़िलहाल पाल के रखना है। यहाँ पर मैं इनका एक सी आइलैंड बनाऊँगा, मतलब टर्टल आइलैंड पूरा का पूरा तबेला सा खोल दूँगा यहाँ पे। सो इसलिए अब मुझे बहुत सारे स्टेयर्स बनाने हैं कॉबल स्टोन्स के। अब वो क्यों यार, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो यार जो है ना, यहाँ पे मुझे आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, तो यहाँ से मुझे ना इसको कवर कर देना है पूरे स्टेयर्स के साथ, जिससे क्या होगा यार एटलीस्ट हम जल्दी से ऊपर चढ़ पाएंगे। लाइक मॉब्स वगैरह क्रीपर मेरा पीछा कर रहा हो कभी कभी के कभी, मतलब एक बार तो उसने मेरा घर ही फोड़ दिया। सो यहाँ से देखना ऐसे ऐसे चढ़ना पड़ता है, और अगर हम लगाएंगे ना तो एकदम से चढ़ सकते हैं हम। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा एडवांटेज होगा हमारे लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे सैपलिंग लगा देता हूँ। यहाँ पे लाइन पे लगाने का ये फ़ायदा है, एक साथ जल्दी जल्दी टूट जाता है। ओके सो अब बारी है मुझे कुछ वीट वीट है, तो अब मुझे इसको ऑर्गेनाइज करना है। तो मैं सबसे पहले ना बहुत सारे चेस्ट वेयर्स बना लेता हूँ, लाइक मज़ा सा आ जाएगा फिर। अपना मुझे स्टोन चाहिए, स्टोन मेरे पास एक भी नहीं है, और मैं ये भी ले लेता हूँ, एक ये लूँगा। अब सबसे पहले तो यार मुझे इसका एक डायमंड पिगेक्स बनाना है फॉर खुदाई, और यहाँ पे मेरे पास वुड की थोड़ी कमी हो गई है यार, एक वुड चाहिए था, एक प्लैंक। ओके बहुत बढ़िया, एक प्लैंक ही मिल गया। का वीडियो का टॉपिक तो हमारा ये है कि हाउ टू एक्वायर डायमंड्स। अब डायमंड्स की बात है तो यार सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यार जो डायमंड्स होता है ना, उसे पाने के लिए या तो आप किसी पिरामिड को ढूंढो या अन्य चीज़ें। अरे यार एक स्टिकी कीज होती है, सॉरी फॉर द
बट ये जो हम बार बार अगर दबाते हैं ना, तो सबसे पहले मैं अपना फर्नेस का भी थोड़ा जुगाड़ पानी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं अपने फर्नेस को यहाँ लगाऊंगा ऐसे हवाई यात्रा पे। ठीक है, अभी फिलहाल मेरा सही चल रहा है, गेम भी अच्छा है। अभी हम जाने वाले हैं ना डायमंड्स की खोज के लिए, तो उसके लिए मुझे बहुत सारा वुड चाहिए, बल्कि वुड नहीं, हमें स्टिक्स चाहिए बहुत सारे, जो कि मैंने एक्चुअली यहाँ रखे थे। आ गए। हेलो स्टिक्स, हेलो। अरे स्टिक्स कहाँ गए मेरे? यहाँ पे तो नहीं है बिल्कुल भी। अल्ले मैंने यही रख दिया क्या? हाँ ये। तो अब हमें बनाना है काफ़ी सारे लैडर। सबसे पहले ना मुझे देखना है अपना कोऑर्डिनेट। अभी सबसे पहली चीज़ हमारी कोऑर्डिनेट होती है, तो हमें यहाँ पे देखना है एक्स वाई जेड पे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। अब वहाँ पे जो वाई है ना, मतलब जो 68.50, उसको हमें जाना है वहाँ पे 12 पे। और वो कैसे जाएंगे? हमें खोद के जाना है। तो उसको करने के लिए हमें 12 पे जाना है। तो 12 पे अब इसे बस माइनस कर दो, 12 माइनस करेंगे तो 56 हमें लेडर्स चाहिए, 56 लेडर्स, 56 ब्लॉक्स का गैप। ज़्यादा नहीं बने, 15 ही बने। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको स्टोर कर लेता हूँ। मेरे पास कॉबल स्टोन्स भी नहीं है क्या? एक गरीब प्लेयर हूँ मैं माइनक्राफ्ट गेम का। सो जल्दी से मैं कॉबल स्टोन्स वगैरह लाता हूँ तब तक। और राइट गाइस, सो यार अभी अभी मैं बस इस केव में थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए आया था फॉर कॉबल स्टोन्स, और मुझे यहाँ पे बहुत सारा आयरन ओर दिख रहा है, तो मैं वो भी उठाता जा रहा हूँ। बिकॉज अब काफ़ी सारा आयरन ओर है ना, तो हम एक चेस्ट प्लेट वगैरह बना सकते हैं। तो यार जल्दी से मैं आयरन ओर को भी, कोल वोल सब मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, इससे एक तो एक्सपीरियंस बढ़ेगी और क्या। ओके यस, एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं ले रहा मैं, बिकॉज अपने डायमंड पिकेक्स को थोड़ी सी अभी डायमंड की भी फार्मिंग करनी है, इसलिए यहाँ पे भी बहुत सारे मैं यहाँ से उठा ही लेता हूँ। यार ऑब्वियसली केव्स में ना बहुत जल्दी मिल जाते हैं आयरन ओर, बिकॉज केव इज अ वेरी, अरे यार ये गेम इतना गंदा लैग हो रहा है ना अभी, पता नहीं क्यों हो रहा है, आज तक तो जिंदगी में नहीं हुआ। और राइट, तो यार सबसे पहले मैं ना एक स्टोन एक्स बना लेता हूँ, जल्दी से वुड तोड़ लेता हूँ। और राइट गाइस, तो यार यहाँ पर जो है ना, मैंने एक बेसमेंट टाइप का बना लिया अपने घर के पास, मतलब घर के नीचे। यहाँ पे मैं ना बेड वेड लगा के सोया करूँगा, बिकॉज यार रात को बहुत ज़्यादा स्पॉन होता है मेरे घर के सामने क्रीपर्स। चलो उनकी दिक्कत नहीं है, वो तो हिलते रहते हैं अपने, बट ज़ॉम्बीज है ना, उनको पता चल जाता है कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं है, तो अब उनकी दिक्कत है बस मुझे, और किसी की नहीं है। सबसे पहले तो मैं यही डरूंगा कभी यहाँ पे भी स्पॉन नहीं हो जाए, फिर तो ये दिक्कत ही हो जाएगी, घर उजाड़ देगा वो मेरा। तो यार यहाँ पे बेसमेंट से मैं यहाँ से खुदाई करूँगा। अब तो हम देख लेते हैं एक बार, हमारे 63 है और इससे 12 हमारे पास एक एक्स्ट्रा लैडर है। सो लेट्स गो, सबसे पहले मैं उठा लेता हूँ, अभी फ़िलहाल रहने दो। यहाँ से सीधा हमें 12 पे जाना है, तो चलिए। ओके गाइस, यार अभी मैं खुदाई नहीं कर सकता नीचे, बिकॉज यार नीचे मेरे घर के नीचे एकदम केव है, और मैं वहाँ गया ना मैं मरूँगा, तो इसके लिए मुझे बहुत सारा सैंड चाहिए अगर मुझे नीचे खुदाई करनी है। अब वो मैं दिखाऊँगा आपको अभी। सो लेट्स ग्रैब सम सैंड्स। भैया पिटो तुम, मतलब टूटो तुम। अरे यार कितना आया है, 30 आई थिंक काफी है। लेट्स गो, मुझे यहाँ से 6 वो भी मिल गए नीचे से ही, मतलब आयरन ओर। मैं आयरन ओर को एक बार लगा देता हूँ यहाँ पे फर्नेस पे, बिकॉज यार काफ़ी होगा हमारे लिए। फिर हम अपना एक सूट बना लेंगे अगले एपिसोड में, बट इस एपिसोड में मेरे को डायमंड ढूंढने हैं यार। वो
केव आ गया ना बीच में, इसलिए काम खराब हो गया। मैं दिखाता हूँ, देख रहे हो आवाज़ बहुत गंदी आ रही है, देखना केव है ये सफा केव। तो मैं ना अब ऐसे करने वाला हूँ जिससे कि ये कवर हो जाए बाउंड्री, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, अब मैं इसे तोड़ूंगा सेम लाइक, अब मैं इसे भी तोड़ूंगा ही। यहाँ की साइड है, होगा भैया होगा, देखा काफी हो गए सैंड, अभी हम घिरे हुए हैं, अभी किसी से डर तो नहीं है। अच्छा हुआ बच गए, वो तो मैं बस निकल गया, वरना तो मैं वही मरा पड़ा मिलता और मेरा डायमंड पिकेक्स चला जाता वहां पे। ओके लेट्स गो, बड़ा केव है एज आई नो कि यहाँ पर बहुत खतरा है। सो मैं क्या करूँ यार, ये केव भी ख़त्म नहीं हो रहे ऐसे की तैसी। अब मैं ना इसके नीचे जाऊँगा बट अभी नहीं, अभी हमें डायमंड ढूंढने हैं यार। यार अब भी मुझे काफ़ी सारा सैंड चाहिए, तो मैं और राइट गाइस, सो यार हम आ चुके हैं अभी अपने 12 नंबर पे, जैसा कि आप सब देख सकते हो। सो अब हम अपनी माइनिंग कंटिन्यू करते हैं। ओ व्हाट द हेल यार, इस सैंड के मैंने साइड इफेक्ट तो देखे ही नहीं, मैं जल्दी से, अबे यार एंडी साइड लग जा और ऐसे तो ज़ॉम्बीज घुस ही जाएंगे यहाँ पे। काम करता हूँ पर ऐसे कर लेता। अरे लग जा, एक तो ब्लॉक लग जा। अरे यार ऐसे तो हो गया कल्याण यार, इसका मतलब तो मैंने बेकार में मेहनत कर दी सैंड वैंड लगाने में। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ से सीधा ना स्ट्रेट माइन करता हूँ, बस किसी के द्वार ना खुल जाए यहाँ पे केव के। तो कुछ आप 10-15 ब्लॉक आगे जाओ, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको 2 ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे माइनिंग करना स्टार्ट कर दो। अभी जितना मन आपको माइनिंग कर लो, ठीक है, कितना भी माइनिंग कर सकते हैं हम, ऐसे ही करके आपको डायमंड मिलने वाले हैं। सो देखते हैं अभी डायमंड मिल लो जाओ केव। अब इस केव की ऐसी की तैसी, अब मैं जो है ना इस केव के अंदर जा रहा हूँ, मतलब मैं जाऊंगा तो जाऊंगा एक स्टोन स्वॉर्ड लेके। ओ यस स्टोन स्वॉर्ड लेके ही जाऊंगा मैं। पहले लावा को बंद करता हूँ मैं, जल्दी से फटाफट से बंद करो है ना, वरना जो है मेरा डायमंड पिकेक्स यहीं से निकल लेगा अपने घर। तो ये 12 नंबर पे आ रहा है ना, तो सही है फिर, यहीं पे हमें डायमंड्स मिल सकते हैं अगर आपके पास एक केव हो, वरना फालतू घूमते फिरो। अभी मुझे आवाज़ आई गंदी, अरे ओ आयरन, बहुत बढ़िया डायमंड नहीं मिला यार। हाँ मुझे नहीं मिला बट आप लोगों को मिल, ओ वहाँ पे मैंने एक और देखा एक्चुअली, ओ गोल्ड। ओह माय गॉड, एपिक। यहाँ पे हम इस खादान में सैंड लगा के जल्दी ऊपर चढ़ 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 चढ़। ओह यस, अभी हमारे पास गोल्ड की चीज़ें भी होंगी। वैसे गोल्ड का हमें वास्तव में कोई काम नहीं है, गोल्ड अभी तक यूजलेस ही है,
बट अभी 1.16 के अपडेट में गोल्ड एक काम की चीज़ बन चुकी है, और वो भी ट्रेड के लिए। वाह, ओ बॉय, ओ वहाँ से मारा है भाई, क्या निशाना है तेरा भाई, बंदे तू बड़ा कमाल का है। अरे लड़ो, लड़े नहीं पहली टपक लिया। ओ बो मिल गई यार, ओ बो मिल गई, ओ बो मिल गई, बट बकवास है, एन्चेंटेड नहीं है। ओके, आगे जाने का मैं रिस्क नहीं लेने वाला हूँ आज, आज नहीं बट कल पक्का। ओ वहाँ पे भी है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो गाइस यार, आप डायमंड तो मिले नहीं, बट मैं जल्दी एपिसोड को कवर करूँगा डायमंड से। अभी वो देखना ये है कि कब करना है, मैं देखूँगा, मैं जल्दी जल्दी बनाऊँगा एपिसोड जिसमें मैं डायमंड ढूँढ सकूँ। फिलहाल आज तो नहीं, बिकॉज यार हमारी स्ट्रेट माइनिंग बेकार हो गई पूरी, मैं इसको ना कवर कर देता हूँ या ऐसे ही रहने देता हूँ। चलो देखते हैं, तब भी 2-3 मिनट तक ढूँढ। ओके गाइस, तो यार अभी अभी मैं माइन कर रहा था, मैंने गलती से ये वाला ब्लॉक हटा दिया, और ये देखो दोबारा। अरे केव कितना बड़ा है भाई, ये तुम्हारा केव माइनक्राफ्ट, तुम्हारा केव एकदम बकवास है ये वाला। एक तो डायमंड नहीं है, ऊपर से आयरन ही आयरन और दिए जा रहे हैं मुझे। भैया डायमंड चाहिए यार, डायमंड। एक तो मेरे पास मेंडिंग भी नहीं है यार, जिससे मैं हील कर सकता था। ओहो आयरन 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 ही देते रहो भैया, और क्या कर सकते हो तुम है भाई। रेड स्टोन भी मुझे काफ़ी सारा मिल चुका है, तो मैं थोड़ा सैंड कर देता हूँ इस एरिया को। अरे यार ये कचरापंथी जो है ना मेरे साथ लगती है। गलती से ना गिर जाऊँ मैं भाई, बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं, जल्दी में हूँ मैं बहुत ज़्यादा, है ना, गिर गया ना। अरे दो और यार, कमाल है ये गेम। यहाँ कोई मॉब वगैरह नहीं था, वरना तो ऐसी टेस्ट हो जाती अपनी। ओके फिर से एक और बार मैं डायमंड्स ढूंढने के लिए निकल रहा हूँ। ओह आयरन, और कितना आयरन और है भाई इस छोटे से एरिया में, मुझे काफ़ी सारा आयरन और मिल रहा है। इस केव ने मुझे भरपूर बेशुमार आयरन और से भर रखा है, देखते हैं। 25, ओह 6 गोल्ड। सब चलते हैं अपने आगे के लिए। यार यहाँ पे तो मैं नहीं कर सकता हूँ फार्म, बिकॉज आगे ऑब्वियसली केव ही है। यहाँ पे वो नहीं, और भाई गाइस यार मैंने डायमंड ढूंढना कैंसिल कर दिया, बिकॉज मुझे ये मिला है, और मुझे सिर्फ ग्रेवल चाहिए और उससे फ्लिंट निकालना है, बस दैट्स इट। अभी हमारा मेन टास्क ये है, तो ग्रेवल कहाँ है। हेलो सर, अरे यार ये तो देर में तोड़ता है बहुत ज़्यादा, कचरा बनती। तो अब हम इसे बार बार तोड़ते रहेंगे, लाइक तोड़ ही रहा हूँ ऐसे तोड़ते हैं। यस फाइनली वी गॉट इट, एक ही मुक्के में दौड़ दिया। इसे कहते हैं ना बाजुओं में जान, दांतों की शान। ओके अरे हम तो फ्लिंट एंड स्टील ऐसे ही बना सकते हैं। हाँ मुझे एक आयरन का स्वॉर्ड चाहिए बस। ओ सॉरी, ओ यस, कुछ मैं टॉर्चेस वगैरह सारी चीज़ें लेके जाऊँगा, बट उससे पहले क्या करना है मुझे, मैं ये रख देता हूँ बहुत सारा एम्पेरेटस। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि बनाऊँगा, मैं यहाँ बनाने की सोच रहा हूँ, और उसके लिए मैं ग्रेवल से ना इसका फ्लोर बनाऊँगा।
कौन है भाई? अरे यार ओ मेरा स्पेशल तो वो, ओ यस ओके फाइनली वी आर डन विद दिस पोर्टल और ओ यस फिर थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो. हम जाएंगे नदर पोर्टल अपने अगले एपिसोड में. तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर फॉर द जर्नी. और ज़रूर देखना मेरे दूसरे एपिसोड को बिकॉज वो जो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है. सो